इस डर खौफ से निकाले। अपनी तकदीर अपने हाथ में लो। ये जो खौफ के गुलाम बने हुए हो, 1.5 करोड़ आबादी पर 15-20 हज़ार दहशत गर्दों की वजह से आप कराची की भी तबाही कर रहे हैं, अपनी भी तबाही कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी तबाही होने दे रहे हैं। मैं आप सबको ये कहता हूँ कि अगर आपने आने वाली इलेक्शन में अपने खौफ के बुत को ना तोड़ा और खौफ के ऊपर काबू ना पाया और फिर वही जमातों को वोट दिया जिनके पास मुसल्ला ग्रुप है, समझ जाए कि आप अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिन अब ये साबित हो गया कि जिन जमातों के पास मुसल्ला ग्रुप है वो कभी कराची में अमन नहीं होने देंगे, क्योंकि वो पुलिस को गैर जानबदार नहीं होने देंगे। जो भी जमातें इक्तदार में आके अपने दहशत गर्दों को तहफ़ देंगी, पुलिस को काम नहीं करने देंगी, पुलिस को कहेंगे दूसरों को पकड़ो, अपनों को ना पकड़ो, वो मुझे बताएं कि वो जमातें कैसे अमन लेके आएंगी कराची में। अगर लाना होता तो अब तक आ चुका होता। 10 साल आपने इनको देखा है, पुलिस वालों को कत्ल किया है इन्होंने, जिन्होंने इंसाफ देने की कोशिश की है, जिन्होंने तहफ़ देने की कोशिश की है, इन्होंने कभी पुलिस के अंदर अपने हुंडों को, अपने दहशत गर्दों को भर्ती कर दिया, तो वो कैसे आगे अगले 5 साल में आपके लिए कुछ करेंगी। बिजनेसमैन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लोग वहाँ से दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। यहाँ तो बेरोजगारों की फौज होगी। इसलिए अपने आप को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, उस पार्टी को वोट दें जो कि कराची की पुलिस को ठीक करेगी, उसको गैर जानबदार करेगी, ताकि वो ये दहशत करेगी।